सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बात पते की जरा सुनो। अरे क्या सुना रहे हो तुम, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पीढ़ी तम्बाकू गुटखा ने बुरे कर दिए हालात, नई पीढ़ी को ये कर रहे हैं बर्बाद। क्या बर्बाद, कैसे, कब और क्यों, बताओ तो जरा। अरे वही तो बता रहा हूँ, समाज में जागरूकता फैला रहा हूँ। तो बात पते की जरा तुम सुनाओ, जो सो रहे हैं नशे में उन्हें जरा तुम जगाओ। कहानी है एक परिवार की, एक सुखी संसार की, जिसको तंबाकू की लत ने कर दिया बर्बाद। देखो कर दिया बर्बाद। मैं भी करना चाहता हूँ, कैसे? सुनिए जी, नकुल को समय से स्कूल छोड़ आना और लेते हुए आना। हाँ हाँ ले आऊंगा, चलो नकुल चलो। अरे छुट्टी होने वाली है, जल्दी से बैग पैक कर लेता हूँ। अरे भाई चल, आज मजे करेंगे। रुक जरा, पापा ने लेने आना है, आज मुझे घर जल्दी जाना है। अरे छोड़ ना, पापा के लिए मैसेज डाल दे एक्स्ट्रा क्लास का और चल। लेकिन जाना कहाँ है? अरे भाई तू चल तो सही। बढ़ रहे थे नकुल के कदम गलत संगत की ओर, और उसके कुछ दोस्त थे पक्के नशा को। भैया जरा गुटखा देना। छोटू जरा एक गुड़िया लाना। जी जी मालिक, लाया। पर ये बच्चे तो काफी छोटे हैं, क्या हमें इन्हें ये देना चाहिए? हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसा हमें कमाना है, नशे को फैलाना है। जी मालिक साहब, आप तो ये लीजिए। अरे ये लगो, ये ले, ये खा। नहीं नहीं, ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं खानी चाहिए। अरे तू खा कर तो देख, मजा आएगा, ऐसा सुरूर मिलेगा कि तू बार बार खाएगा। सुनिए सुनिए जरा दीजिए ध्यान, बचपन में नशे की लत लगवाने वाले होते हैं ये दोस्त महान। अपनी गंदी आदत को दूसरों तक फैलाते हैं, क्या यही सच्चे दोस्त कहलाते हैं? उस दिन से नकुल को पुड़िया खाने की इतनी गंदी लत लग गई कि अब वे छिप छिप कर पुड़िया खाने लगा। और फिर एक दिन इसके मुंह से तो खून आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। देखिए इसके फेफड़ों में समस्या हो चुकी है, ये नशा करता है, क्या आपको ये नहीं पता था? हे राम, क्या मेरा बेटा नशा? देखिए डॉक्टर साहब, आपको कुछ गलत सहमी हुई होगी। जी नहीं, आपके बेटे ने लगातार तंबाकू का सेवन किया है, जिसकी वजह से इसे टीबी होने की संभावना बढ़ चुकी है। क्या टीबी? नकुल तूने क्यों किया, किसकी संगत में आगे किया? माँ वो मैं। बताओ बताओ, हमसे कुछ न छुपाओ। हाँ मम्मी पापा, मैंने अपने एक दोस्त की संगत में आकर किया, मेरे को माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए माँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनिए सुनिए, पैकेट पर लिखा होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है, पर क्या कोई दुकानदार ये सब पढ़ता है? जरा सोचिए। देखिए सिगरेट पीने वाला स्वयं तो बीमारी को न्योता देता ही है, परंतु उसके आसपास वाले भी उस धुएं से उतना ही प्रभावित होते हैं जितना कि सिगरेट पीने वाला। परिणाम होता है कैंसर, फेफड़े खराब और जिंदगी बर्बाद। लेकिन बस अब बहुत हुआ, तंबाकू हमारी पीढ़ी को खोखला कर रहा है और अब हमें जागरूकता को फैलाना होगा, फैलाना होगा। अभी भी नहीं हुई है देर, नशा मचा रहा है अंधेर। हम सबको आगे बढ़कर देश को खोखला होने से बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। देखिए पैकेट पर लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए जानलेवा है, पर क्या कोई उसे पढ़ता भी है? गौर कीजिएगा, अब हमें लिखकर नहीं बोलकर जागरूकता को फैलाना है, नशे की लत को छुड़ाना है, नशे की लत को छुड़ाना है। बीड़ी तंबाकू छोड़कर खाओ फल हार, खुद बनने का सपना कर लो साकार। जिंदगी गुलजार है, क्यों करते हो इसे बर्बाद? बीड़ी तंबाकू सिगरेट को छोड़कर हो जाओ आबाद। अब हम सब ने यही ठाना है, तंबाकू को समाज से भगाना है, तंबाकू को समाज से भगाना है। धन्यवाद।